बताने वाला है डोसा। तो इसके लिए हमने पहले सांभर तैयार कर ली और साथ में टमाटर की चटनी और ये है नारियल की चटनी। और ये हमने अंदर फ्री करने के लिए आलू का मसाला बनाया है। और ये रहा हमारे डोसे का बैटर। और ये हमने गर्म करके तवा चढ़ा दिया। हम इसके साइड में थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। हम अभी इसे पलटेंगे। हमने इसको पलट दिया, अभी थोड़ी देर बाद सिक जाएगा। अब हम इस डो के ऊपर और अपने मसाले की एक परत जमा देंगे ऐसे। डोसा बनके तैयार हो गया। अब हमने बच्चों को इसके लिए चटनी डाल देंगे, थोड़ी इसी लाल चटनी दे देंगे और इसी में दाल डाल देंगे। ये तैयार हो गई है बनके। हेलो गाइस, तो मेरा डोसा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे खाएंगे। कैसा है? बहुत यम्मी है। ये होममेड है, इसलिए मार्केट जैसा तो नहीं है, लेकिन मार्केट से अच्छा टेस्ट आता है इसका।